फोर्थ जनरेशन केमिकल वेपन। डॉक्टर स्क्रिबाल के बारे में पता? सर मैं विद्या बालन को जानता हूँ, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया। तुम जानते हो? नहीं सर। कभी कभी अखबार भी पढ़ा करो, इंटरनेट का फायदा उठाओ। साइनाइड के बाद में आया है लेटेस्ट रशियन पॉइजन, ये कितनी जल्दी मारता है इस बात का हमें पता लगाना है। टेस्ट के लिए आया है, टेस्ट करके रिजल्ट देना है। लेट्स मूव। चलिए। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है, ये बंदा अलग है। शिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू द डिस्टिंग्विश्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज, experts of the medical fraternity and students. Let's welcome Professor Dr. Desikan. Namaskar. आज अपने best student का परिचय कराने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर सर्वनन, उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पढ़ाई करके चेन्नई IIT से टॉपर का खिताब जीतने के बाद इसराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके नाम कमाया है। पढ़ने के समय ही रिसर्च करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में DNA मॉडिफिकेशन पर 18 पेपर्स सबमिट किए हैं। उनकी खोज एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। एज ए टीचर एंड गाइड I'm very proud to introduce Dr. Saravanan. Congratulations. Thank you. Thanks a lot. मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बीत गया वो इतिहास है, जिसे हम खोज रहे हैं वो विज्ञान है। एक इंसान के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। भगवान ने ऐसी शक्ति हम सभी लोगों को दी है और हमारा लक्ष्य है उन रास्तों पर आगे बढ़ना, और ये बेहद जरूरी है। मैं अब तक अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ही खोया था, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी अपने लोगों के लिए जीऊंगा। उनके साथ रहके, उनकी जरूरतों को पूरा करके उनके साथ जीना ही मेरा मकसद है। मेरे जैसे साइंटिस्ट दुनिया में और बने, यही मेरा सपना है। DNA रिसर्च अपनी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और इसकी शुरुआत मेरे गांव से ही होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। साइंटिस्ट सर्वनन, अपने फेयरवेल पार्टी में आएंगे क्या? अपने सर्वनन का रिसर्च अलग लेवल पर है। फ्रेंड्स के साथ गाना बजाना और नाचना भी अलग लेवल पर, अलग लेवल पर, अलग लेवल पर। सुनो सुनो मेरे गांव वासियों, माताएं और बहनों सुनो, अरुणाचलम जी के छोटे बेटे सर्वनन हमारे गांव पधार रहे हैं। मशहूर वैज्ञानिक इस गांव के लोगों के दिलों में बसने वाले, अपने प्रिय बेटे सर्वनन का तहे दिल से स्वागत कीजिए। I am Pallini. Thank you, sir. I am the college principal. भाभी, आओ सर्वनन,
पापा माँ आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूँगा पापा। माँ 100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू। मेरी माँ, तेरे बतख चल के कहाँ जा रहे हैं? वो तो स्लो मोशन में मोर्चा निकाल रहे हैं। ये रोड तेरे बाप का रोड है क्या? ये जमीन बतख, बकरी, गाय, मुर्गी, सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है। ये बात तो रति सर ने टुकड़ों में भी बोला है। ट्रिंग ट्रिंग कान पट रहा है। ये बकवास रिंगटोन है। तेरे बाप का फोन है, उठा। हेलो, ऑन द वे हो पापा? यहाँ तो बेवकूफ मिल गए हैं। बस आ रही हूँ। ए लटक पटक, बेवकूफ बोल रही है? सांप कौन है जानती है? अरे ठीक है यार, लड़कियों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। इनसे बस अपने काम से काम रखो। इतना गुस्सा मत करो, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलो। हम लोग जरा जल्दी में, अगर रास्ता दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देती हूँ रास्ता। बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ, पता है ब्रिटिश लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी, बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया। सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। A great man with a big vision. NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहाँ लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूँगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता,
और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई, भाई, आपने मुझे पहचाना क्या? ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले, इनके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरे भाई अपना परिचय दे दो ना। भाई तू तिरुपति है ना, हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें तो मैं याद हूँ। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा। थैंक यू सर वरन, थैंक यू। अरे सॉरी सॉरी, तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई, सॉरी। अरे मिट्टी है कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगा। तो मेरे जैसे हो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1,00,000 पेड़ लगाऊं। फैंटास्टिक थिंग, तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है। इस बात पर एक बार और गले लग जा। टैलेंटेड लग रही है। ये क्या है? हाँ, मादा है, बढ़िया है ना? तंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था। बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह, ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे? मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद मस्त बिरयानी। भगवान, इस दादा को माफ कर देना। अरे हवा नहीं ठूस रहा हूँ, दिस इज ताईची। सुरमई मच्छी सुना है? ये ताईची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तंगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। अरे रुक जा बेटा, अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। नहीं, 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 दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा। डैडी, मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ, क्यों बच्चे को भगा रहा है? एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ, सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विद लट, कम विद नोटा। अरे तुम चुप करो सरवनन, पता ही क्या करता है? रोज दुकान में जाकर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। सुपर अंकल, ये हुई ना बात। चुप कर शैतान कहीं, तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई। ये चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है। रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। दोस्त का घर है, हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है, दोनों ट्रेजेडी किंग हैं। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकल आया। अरे अब तो ठीक है, हमारी शादी में तो और मोटे थे। स्टेज पर जगह ही नहीं थी इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ लेकर आओ? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। एक बेवकूफ कहीं का, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं, शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सरवनन, वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती है। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं।
जुविनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। सर वहां देखिए। बॉयज फ्यू मोर लाइन्स विल मेक दिस ड्रॉइंग वेरी ब्यूटिफुल एंड रिस्पेक्टेबल ऑल्सो। ड्रॉ करने लग गए। डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहां पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। अरे बतख? हाँ बतख, वो भी एमएससी एमफिल बतख। और ये क्लास मेरी है, आई एम अ लेक्चरर हियर। ओह, आई एम सॉरी। एंड यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। पता है जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी फेंकता रहता है। और तू फेकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही मार डालते हैं तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। काका, हमारे जन्म के दिमाग को पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना। जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन। लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल है। आप बताइए कि पहले डॉक्टर हो जो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए, ओके? डॉक्टर, देवी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरदार समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं। फिर भी देखिए कितने सिंपल है। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सरवनन, मिस्टर वी जी, यू नो ओजो लेबोरेटरीज एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है। ए, ये क्या क्या ये? ठीक से बाल नहीं बना सकती है? थोपड़ा देख। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ फौरन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने स्मार्ट दिखना चाहिए। लोग आइए, 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 स्वागत है। अरे वाह, हाँ बेटा, नमस्ते। अरे ये तो वही जबकास पार्टी। Thank you.
एक ओटीपी आया है, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए, ओटीपी है 4455। हो गया जी, हो गया जी, लाइन भी कट गई। मैसेज आया, मेरा कार्ड रिन्यूअल हो गया है। चलो मैसेज देखते हैं। मेरे अकाउंट से किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, मेरे 10 साल की मेहनत के पैसे को कोई 1 सेकंड में निकाल लिया, मैं बर्बाद हो गया। अरे सरवनन, देखना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है। टीवी, पेपर, रेडियो, इस पर बार बार समझाया जा रहा है कि अपने बैंक डिटेल्स और ओटीपी नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। उसके बाद भी ऐसी बेवकूफी करके अपना नुकसान कर बैठे। हे भगवान, मैं तो बच गई। ए, आ जाओ, सबको बाहर निकालो। ए, चलो। अरे सबको जानते हो, घर का साफ कर दो, कॉलेज गया तेल लेने। अरे अरे बुजुर्गो, अरे क्या कर रहे हो। अरे भाई भाई भाई, ये पेड़ मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं भाई। ये हमारा कॉलेज है, जगह पे हेलीपैड बनने वाला है। जब तक मैं हूँ, मैं एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पौधे को छूना मत। देखो, पौधे को हाथ मत लगाना। जवान लड़ाएगा। तुम लोग शैतान हो। एक मालिक को इतना घमंड। कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में खुली जगह बहुत है, तुम वहां पर चले जाओ। ये कॉलेज है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ए, मैं जानता हूं, तू जानता है, हेलीकॉप्टर तो नहीं जानता ना। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हम जरा अकेले में जाकर बात करें? दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? सनी देओल को टक्कर दे चुका हूं। मेरी बॉडी देखो, बहुत कड़क है। इनके लिए तो कॉलेज ही सब कुछ है, उसी की वजह से पैर टूटा है। आप लोग ही समझाइए, मेरी तो सुनते ही नहीं। चुप करो, वो सिर्फ कॉलेज नहीं है, वो एक मंदिर है, और उस मंदिर का मैं एक माली हूँ। ये लोग गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मारा, तुझे देख लूंगा। ऊ ला, चलो रे।
हमारे कंपाउंड में जीप लेकर आ गए? कॉलेज के बच्चे हैं पापा। कॉलेज के बच्चे? ये तो एकदम लफंगे लग रहे हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। हमारे बीच में आया तो मरेगा। उठ ले। ले जा। हाँ ठीक है दादी। काम हो गया। हेलमेट दो, पकड़ो इसे, थैला का ये रहा, पकड़ो इसे, जाओ। अपनी बकबक बंद रखना और इन दोनों की सेटिंग करवाना, वरना ये मुंह में गुस्सा दूंगी। और हाँ, फेस टाइम में लाइव आना चाहिए। चिंता मत करो, गाड़ी थर्ड गियर टच होने से पहले इन दोनों की टचिंग हो जाएगी। थैंक्स अंकल।
दुकान पे ताला लगा है क्या? बात क्यों नहीं कर रहा है? बात करना। तुम मैथ्स की लेक्चर रहो ना? यस। जादू हो गया। ए भाई, तेरे मन में कुछ सवाल थे ना? या सब कुछ भूल गया? पूछ लेना। What is trigonometry? Oh, it's an interesting question. Trigonometry is a branch of mathematics that is the relationship between the side line and the angle of a triangle, such as sine theta, cos theta, and tan theta. सब सत्यानाश की ताल। कौन? गाड़ी में कुछ और मैटर होने वाला था? या तो मैथ्स हो रहा है? मैटर? क्या? You mean matter? Yeah. Matter is yeah. Nothing but energy that is. मंदिर के अंदर लेकर जाओ। ठीक है। भाई साहब आ रहे, शादी की बात चलाते हैं। ए बालिया, सर्वनंद के लिए तुलसी का हाथ धोगे क्या? मेरे भाई, ये कपड़े, खाना पीना सब तुम्हारी ही देन है, मेरे हाथ खाली है। ऐसे वक्त में लड़की का हाथ मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहा। अंकल, ये सब क्या बोल रहे हैं? हम सब एक ही। भाई साहब, कावेरी नदी में बाढ़ आए या फिर वो सूख भी जाए, कावेरी कावेरी ही रहती है, उसकी महिमा कम नहीं होती है। आप तो अच्छे खानदान के हैं, आपको किस बात की कमी है? भगवान जी, मैं शादी करूंगी तो इस बुद्धू साइंटिस्ट से ही करूंगी। हमारी शादी जल्दी करवा दीजिए ना, प्लीज। तेरी बेटी बेशकीमती हीरा है मेरे दोस्त, तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परिमला? हाँ सर। ये अपनी गांव की
शुगर की बीमारी इन देशों में ज्यादा है। अमेरिका, चाइना और अपना हिंदुस्तान, इन देशों के बीच में रेस चल रही है। देखिए, हेरिडिटरी शुगर की बीमारी तो एक तरह की होती है, लेकिन लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। अच्छी जीवन शैली से इस बीमारी को शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं, और नहीं तो गोलियां, इंसुलिन और कोई रास्ता नहीं है। ये सब दवाइयां बहुत महंगी हैं। जो गरीब लोग इंसुलिन नहीं खरीद सकते वो प्रॉब्लम में है। वास्तव में कई लोगों को शुगर की बीमारी है, ये उन्हें पता ही नहीं, ऐसे ही मर जाते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दे ऐसी कोई दवा नहीं है। शुगर ज्यादा हो गया, पैर काट दिया। चलना नहीं होता है। मम्मी डैडी दोनों को शुगर है। सास की डायलिसिस के लिए हर हफ्ते आना पड़ता है। डायलिसिस कर करके बहुत परेशान है। किस्मत में ही लिखा होगा, इतने सालों से इनको शुगर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि उस बच्चे को भी शुगर है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको जुविनाइल डायबिटीज है। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के सहारे ही जीना पड़ेगा। मेरी माँ शुगर की बीमारी नहीं बताई और मर गई। एक किडनी फेल हो गई। मेरी बीवी की आंखें जली। एडमिशन ही खत्म हो गया। दूसरी किडनी भी खराब हो गई। ये एक स्वीट सोसाइटी। लोगों की भलाई के लिए मैं यहां आया था, लेकिन भला कैसे करूं यह समझ नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। अब यह साफ हो गया कि करना क्या है। शुगर की बीमारी में दवाइयां, गोली, इंसुलिन, डायलिसिस, पूरी जिंदगी इन्हीं के सहारे लोगों को जीना पड़ रहा है। वी हैव टू मैनेज एंड लिव विद डायबिटीज। एक ही दवाई से इस बीमारी का इलाज होगा, वो दवाई मैं बनाऊंगा। अपनी पढ़ाई, नॉलेज, टैलेंट सबका इस्तेमाल करके मैं उस दवाई का इजाद करूंगा। मेरे लोगों के लिए और दुनिया के लिए ये मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। वेरी गुड सरवना, इस मिट्टी के लाल हो तुम, तुम्हारे इस खोज की पूरी दुनिया में तारीफ होगी। सरवनन, तुम्हारा संकल्प और विश्वास तुम्हें जरूर जिताएगा। शुरू हो जाओ। ओके। अपनी आंखें बंद करो। हाँ बाबा, आंखें बंद कर ली। डोंट लुक एट मी। ओके। क्या मैं देख नहीं सकता? चुप रहो और पहले हुक लगा। अपने आंगन में पहली बहुत से बतख हैं। अरे यार, अच्छा एक छोटू सा साइंटिस्ट। मैं खुद ही इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तो कोई और साइंटिस्ट क्यों चाहिए? ओहो, तुम एकदम बुद्धू हो। हे, मुझे ना एक, दो, नहीं, तीन, चार, पांच छोटे बतख और पांच छोटे साइंटिस्ट चाहिए। कुल मिलाकर 10 हो सकते हैं क्या? ये कुछ ज्यादा हो गया। टेस्ट तो अच्छा है, पर है क्या पता नहीं। बॉस, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस मैं हूँ आपका एलए। एमएलए सुना है, एलए क्या है? असिस्टेंट टू लैब असिस्टेंट। मेरा असिस्टेंट? मैं तो खुद ही एक असिस्टेंट हूँ। बस मेरे लिए कुछ काम है क्या? बस क्या पढ़ा है? अभी चित्रलेखा पढ़ी है। बादों बादों करना। तेरे में सीजी ज्यादा है। सीजी का मतलब? सी का मतलब चर्बी और जी का मतलब समझ गया। बस चलो चल 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 चल। बस मुझे कुछ तो काम दो। लेफ्ट साइड के चूहों को 3 टाइप का खाना दे दे। ओके बॉस। राइट साइड के चूहों को 6 टाइप का खाना दो दो। ये दे दे दो तो क्या है? एक को दे दे, दो को दो दो। दे दे दो बोल के हिंदी की सभा भांग गया। मेरा काम तो
करना है ना? नहीं, चूहा सुसु करेगा, उसे कलेक्ट भी करना है। कौन सा चूहा कब सुसु करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? वॉच देख कर, वॉच कर, जब चूहा सुसु करे तो कैच कर। बस आप तो एक थॉमस अल्वा एडिशन। स्टॉप ज्योति। मुझे समझ में आ गई। तुम बालाघाट से हो? ओ हाँ, और आप? शमशान घाट। नहीं, केरला बॉर्डर पाथंडम। मुझे भी आपकी भाषा आती है। मुझे आपका नाम क्या है? फटेला चट्टी। कृष्णा कुट्टी। यहाँ मुझे कंफर्ट नहीं है, आप मेरे रूम में आइए ना, वहीं बात करेंगे। मुझे आपसे कुछ रही है, क्योंकि हमने अपने आप को टेरिटरीज में बांट लिया है और अनुशासित तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। पहले एशियन टेरिटरी मेरा ही था, पर चाइना ने उसे मुझसे मांग लिया। अब मेरा दिल बड़ा है तो मैंने मिस्टर चैंग को दे दिया। після цього твоя отже лабораторія найбільша, ти найкращий. मुद्दा वो नहीं है, मेरे बिजनेस को डाउन करने के लिए मिडिल ईस्ट की टेरिटरी को अलग करने की प्लानिंग चल रही है। मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। You got it? मैं этого не допустим. ये एश्योरेंस हमारे लिए काफी है। Yes, that was very cheap. Шутка дня. Он изобретает лекарство от диабета. Вы гляньте на это. Слышь, Виджей, мы с твоей страны. Аны досы. बात करके देखेंगे, नहीं तो हमें जो करना है वो कर देंगे। हे, कम बैक, कम बैक। साइंटिस्ट सर्वनर, इस आदमी की वजह से मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि एक पेशेंट को कितनी मात्रा में एंटीबायोटिक चाहिए उसका सही पता चल जाए, जिससे एंटीबायोटिक के कंजप्शन का सही पता चल जाता है। वो जो लेबोरेटरीज में तैयार हुए एंटीबायोटिक मेडिसिन के हजारों टन बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से हमें $6,000 million का नुकसान हुआ। शुक्र है इंसुलिन की वजह से आज
फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, लेकिन सरवणन की वजह से हम ज्यादा देर इस धंधे में टिक नहीं पाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, लैब से रिपोर्ट आई है, सब पॉजिटिव है। सर, ये रिपोर्ट भी वैसे ही आई है। सर, ये रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सर, सर, ये रिपोर्ट भी कंसिस्टेंट है। ये साधारण आदमी नहीं है सरवणन, द मोस्ट डेंजरस साइंटिस्ट। हमारी मेहनत बेकार नहीं है। अब से इस पर अच्छी तरह नजर रखो, समझे? समझे कि नहीं? दवाई काम करने लगी है। स्टेज वन सक्सेस। यस यस। बोलो गोपी। सरवणन के लैब से न्यूज आई है चीफ, उनके डायबिटिक रिसर्च में एक ब्रेक थ्रू मिला है, उनका एनिमल टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। उसका भाई पुष्कर तुम्हारा क्लासमेट है ना, उससे मिलो और हाय बोल कर आओ। हाय पुष्कर, माय स्वीट इडियट। क्या बात है, इतनी दूर आ गए तुम? यार तुम्हारे भाई के लिए आना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आया। उसका रिसर्च कुछ लोगों को पसंद नहीं है, उसको तुरंत बंद कर दो, रोक दो। बेकार में उनसे क्यों दुश्मनी बोल ले रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? ये रिसर्च दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तुमको सफलता प्यारी है या अपनी जान प्यारी है? क्या रे, धमकी देने आया है? मुझ पे गुस्सा करने से क्या होगा? इसके पीछे कितना बड़ा मेडिकल माफिया है ये पता है तुम्हें? इस धंधे में करोड़ों रुपए लगे हैं, अगर उनका नुकसान हुआ तो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। मेरा काम था समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ए गोपी, जिसने तुझे भेजा है उससे बोलना, मेरे भाई के साथ बहुत लोग हैं जो उसके लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तुम लोग जो चाहे कर लो, मेरा भाई ये रिसर्च पूरी करके ही रहेगा। जिस तरह दोस्त बनकर आए थे उसी तरह वापस चले जाओ। जाओ, तुम्हारी किस्मत खराब है। के बारे में किसी को नहीं बताया, पर देसी कंसर्न ने इंटरनेशनल मीडिया में सब बता दिया। ये उसी का रिएक्शन है। अब कोई रास्ता नहीं है, हमें फेस करना ही पड़ेगा पापा। एक बार फेस्टिवल हो जाए उसके बाद मैं दिल्ली में बात करता हूँ। खर्चे की चिंता मत करो, लेकिन इस बार मंदिर का उत्सव धूमधाम से होना चाहिए। इस बार तो सरवणन भी है, धूमधाम से होना चाहिए। हाँ, भगवान की आराधना से लोगों को खुशी मिलती है। इस बार सब कुछ आप लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा।
रुक के आपका इंतजार कर रही है। परदेश से उस्ताद आया है, वो खुद नाचेगा या फिर मुझे नचाएगा, देखते हैं। अरे देखो कितना प्यारा मेमना है, मुझे चाहिए। ड्राइवर गाड़ी रोको। तो तुम्हें वो मेमना चाहिए ना? ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। अरे रुक जा, अरे रुक, अरे मेमने कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ भाग रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आप घर पर जाके बिरयानी खाइए, ये पकड़ना मारना काटना ये सब हमारा काम है। आप छोड़िए ना, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम पकड़ के लाते हैं। सीता जी ने स्वर्ण हिरन मांगा था, मेरे तुलसी ने मेमना मांगा है, तो चलो पकड़ते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
मुझे प्रभु का खेल समझ में ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी तो चली गई। अगर मैं इस घर में रहूंगा तो लोग गलत समझेंगे। मैं जा रहा हूँ। किधर जाओगे? कहीं भी जाऊंगा। बाल्या, बचपन से तू भी तो इसी घर का लड़का है ना? मत जाइए ना। मेहरबानी करके मुझे मत रोकिए। जितना इस घर में रहूंगा उतनी ही मुझे मेरी बेटी की याद आएगी। आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुलसी से जब से मैंने शादी की तब से मैंने आपको अपना पिता माना, लेकिन लगता है आप मुझे अपना नहीं मानते। अगर आप वाकई मुझे अपना बेटा मानते हैं तो अंदर जाइए पापा। मुझे ताबूत में मत भेजना। मैं तेरी बात समझा नहीं भाई। हम इसे ढूंढने आए हैं। ये कौन है? इसका नाम है मुन्ना। He is a professional killer. इंटरनेशनल लेवल पर ये किसी को भी उठा सकता है और अभी ये इसी जगह पर है। साइंटिस्ट और गैंगस्टर में क्या संबंध है? तुलसी की मौत के पीछे इसी का हाथ है। Yes, मुन्ना। I have a good news for you, Vijay. तुम न्यूज बताओ, गुड है या बैड मैं बताऊंगा। जिस साइंटिस्ट को हम ढूंढ रहे हैं वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। आज मैं उसकी राख नदी में बहा दूंगा। You mean सरवनन? Yes, साइंटिस्ट सरवनन की मौत। ये कल की ब्रेकिंग न्यूज रहेगी। This I promise you, Vijay. पक्की खबर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी फोटो को चौराहे पर रखकर तुझे श्रद्धांजलि दे दूंगा। अरे मुन्ना, आज मैं जाता हूँ, साइंटिस्ट का काम तमाम कर दूंगा। श्रवणन, तुम आगे चलो, मैं पूजा का सामान लेके आता हूँ। मेरी प्यारी, तुम्हें हिंदी आती है? थोड़ी थोड़ी। ये लड़की हिंदी जानती है? इससे हिंदी का कोई अच्छा दोहा सुनाता हूँ और कश्मीरी एप्पल को पटा लेता हूँ। एक बात बताओ, खुद सेब का बगीचा सेब बेच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी माँ थोड़ी हिंदी जान के भी ऐसी गाली। हेलो सर, मैं IBIBI बैंक से बोल रहा हूँ। ये तो वही आवाज है, कार्ड है? हाँ सर, कार्ड के ऊपर एक 16 डिजिट का नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर मुझे बोलिए और साथ में एक्सपायरी डेट भी बता दीजिए। तेरी एक्सपायरी डेट मैं बताता हूँ, तेरी तो। आप कौन है भाई साहब? तू मुझे नहीं जानता? तू फोन पे फ्रॉड करता है ना? आधा इंडिया तुझे ढूंढ रहा है और साथ में मैं भी। इतने सारे फोन क्यों है तेरे पास? सर, मैं कस्टमर केयर हूँ सर। भिखारी कह के तूने जो मेरे अकाउंट से 1.5 लाख निकाला उसे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो तूने मुहावरा बोला था ना, तेरे आंगन में नाचूंगा टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तेरे मुहावरे में मेरा आंगन कैसे आया? अगर आंगन पसंद नहीं है तो कंगन डालूंगा तेरी, तो तुझे तो हाथ खड़ी पहनाऊंगा। चुराने वाला फ्रॉड यही है। रुक जा, इसे क्यों पीट रहा है? धोखा तूने खाया। अबे मनहूस थोबड़े, आज के बाद किसी के साथ धोखा नहीं करेगा तू। मेरा बचपन से ही ऐसा थोबड़ा है। साहब, आप इसे लेकर यहाँ से जाओ। किधर? हमारे गैंग को पता चल गया तो ये मर जाएगा, समझा क्या? गैंग? इसको जानते हो?
उन्ना गन्ना उन्ना के लिए काम कर रहा है?
बता दो। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। शिट। अरे वाह, चाय तैयार है। इस ठंड में चाय के बिना काम ही नहीं चलता। देखते लादे। फर्स्ट कस्टमर के लिए। फर्स्ट कस्टमर। ये क्या है भाई? यहाँ दो हैंडसम जवान लोग खड़े हैं और वो उस बुड्ढे के लिए चाय लेके जा रहा है। स्पीकर जोश में बात कर रही। हम अभी तक एक ही में अटके पड़े हैं। आप हाथ छोड़ेंगी तो ये भी चाय पी लेंगे। आई एम सो सॉरी सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आई गेट माय फोन। सर्वनंद, हमारे यहाँ बीमारी से मरने वालों से ज्यादा लोग सेल्फी लेते वक्त मरे हैं, समझ गए ना? स्केप मीता सर, सरप्राइज अगेन। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूं? पूछोगी तो भी बैठोगी, नहीं पूछोगी तो भी बैठोगी, पसंद नहीं है तो भी बैठोगी, पसंद है तो भी बैठोगी, आई एम राइट? सर, ईटिंग फिलॉसफी के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था। फर्स्ट लुक एट योर फूड, आंखों से देखो। इतनी देर में तो खाना ठंडा हो जाएगा। देन स्मेल इट। कुत्ते की तरह जोर से हंसना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, आंखों से आंखें मिलानी चाहिए, एंड सो ऑन। मेरी एक प्रॉब्लम है सर। एक प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो ट्रक भर के प्रॉब्लम है। बोलो माते। मुझे जो पसंद है उसके बारे में मैं सबको बताती हूँ, जो ना पसंद है उसके बारे में भी। सर, 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 आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो बात कीजिए, दिल खोलकर हंसिए, तब जाकर मन हल्का होगा। स्टॉप इट, मुझे जाने दो। सर, आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। लुक, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुझे एडवाइस मत दो, दिल खोलकर बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दिस इज माय पर्सनल ट्रिप, आई नीड माय प्राइवेसी, डोंट डिस्टर्ब मी, गेट लॉस्ट। तुमने तो प्यार से बात की पर वो गुस्से से चला गया। तुम परेशान मत हो, वैसे वो इतना गुस्से वाला आदमी है नहीं। कुछ दिन बीत जाने दो, वो आदमी तुमको बदला हुआ दिखेगा। अभी उसके दिल में जख्म है। मुझे पता है उन्होंने क्या खोया है। Thank you.
किसने भेजा था? चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं अपनी ज़बान नहीं खोलने वाला। अरे टेस्ट ट्यूब से खेलने वाला छोटा मोटा साइंटिस्ट समझा है क्या? ये बोलेगा, जरूर बोलेगा। सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए, ये एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण नहीं है। इस तरह भावुक होना, बदले की भावना रखना, ये आम आदमी करते हैं। तुम जिससे बदला लेने आए थे वो आदमी तो मर चुका है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सर मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा था, खेलने वाला खिलाड़ी कोई और ही है, हमें उस आदमी का पता लगाना होगा। पता करके क्या मिलेगा? इट्स अ वेरी बिग नेटवर्क, इंटरनेशनल मेडिकल माफिया, एक के पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। किससे बदला लोगे, किस किस को मारोगे, ये किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अवतार लेना पड़ेगा। लूंगा सर, अवतार लूंगा, और उस अवतार में मेरा दिमाग ही मेरा हथियार होगा, मेरे रिसर्च की जीत ही मेरे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। गुड सर विनर, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। तुम्हारे लिए एक मॉडर्न लैब चेन्नई में तैयार है। मैं इस इम्पोर्टेंट रिसर्च में आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। कांग्रेचुलेशंस सर्वन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इतना बड़ा काम किया है, और धूमधाम होनी चाहिए। इसमें इतनी धूमधाम की क्या जरूरत है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैंने जो पढ़ाई की है, जो सीखा है, बस वही काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क, साइंस, रिसर्च जैसे पब्लिक सर्विस में लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। मिस्टर विजय, ये तारीफ कर रहे हैं या? वन सेकंड। प्रोवोकेशन भी एक तरह का एनकरेजमेंट है। वैसे किसकी खोज में तुम हिमालय गए थे? जो दुश्मन सामने हैं वो तो दिख जाते हैं, और जो पीछे से वार करते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें दिख ही जाएंगे। ऐसे कायर दुश्मन को सजा देने के लिए हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। भूल जाओ और माफ करो। माफ किया या नहीं, दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए हाथ से मारने की कोई जरूरत नहीं, उसे चोट कैसे पहुंचेगी ये मुझे पता चल गया है। इसको तो हम वैज्ञानिक समझ रहे थे, लेकिन ये तो WWF के जैसे पंच मार रहा है। तो तुम मार पीट के लिए तैयार हो या नहीं? इस बार मेरी मार मौत को भी मात देगी। दुश्मन कभी उठ नहीं पाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर वेणु पप्पू, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, काफी रिसर्च भी किया है, वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। मतलब चलती फिरती दारू की दुकान है। क्या दिख रही है, इसके साथ दुबई में एक गाना होना चाहिए। All white coats, come forward. ये क्या? सब तुरंत आ गए? लगता सब नीट एग्जाम वाले हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। My name is Dada. Pet name, Animal Supply Dada. Look, girls. मेरे पास कॉकरोच से लेकर जंगली भैंस तक है, साथ ही सोते हैं केचुए से लेकर अजगर तक, उतना ही नहीं मच्छर भी मेरे पास है, और पांच बुद्धि वाले जीव मेरे पास है, बट वन कंडीशन, ये बुद्धिजीवी जानवर और सरकार प्रतिबंधित जानवरों को ये डाडा कंपनी सप्लाई नहीं करेगा। करोड़ों रुपए दिया तो? नो, अगर ये कंडीशन मंजूर है तो आपको जो आइटम चाहिए सब गाड़ी में है, तुरंत रिलीज कर दूंगा।
क्या बोलती हो प्रिय? मधु, who is this? Where is Dr. Venu Pappu? धोखेबाज, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, ये बोलना चाहिए था ना? बोलती नहीं थी, तुम तो मुझे घूरते हुए आ रही थी ना, चलो कैंटीन में बैठते, चलो। डाडा, I like you. क्यों सर? इस रिसर्च में जितने जरूरी ये लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी तुम और तुम्हारी कंपनी है। आज से तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो। सर, मैं तो ज़ेरॉक्स हूँ, आप ही ओरिजिनल हो। अच्छा सर, काम तो करेंगे, पहले पार्टी करेंगे, फुल पार्टी। आज तक मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। हाँ सर, मैं जानवर भेज देता हूँ सर। गलती से टकरा गया सर। इंसल्ट, मेरी एकदम बेइज्जती हो चुकी है। ये असाइनमेंट मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक सीरियस साइंटिस्ट से बर्ताव करने का ये तरीका है? नीचे से ऊपर चार मंजिल चढ़कर मेरी जान निकल गई है। सॉरी सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। आपकी जगह किसी और को रिसीव करके ले आए। प्लीज वेलकम सर। I am extremely sorry sir, ये सारी गलती मेरी है, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सीधे हाथी पकड़ लिया। सर का मूड ठीक हो गया है, सब लोग मेंढक को उल्टा करके काट डालिए। रिसर्च इतना इजी नहीं होता है, रिसर्च के लिए कई दिमाग लगाने पड़ते हैं। ये डायबिटीज रिसर्च पपाया को काट कर खाने जितना इजी नहीं है। दिस इज पैनक्रियाज, अग्न्याशय, हमारे पेट के पीछे रहने वाला ये छोटा सा ऑर्गन है। पैनक्रियाज में दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। एक ही सिक्के के दो पहलू। हेड के साइड में पाचन क्रिया के तत्वों का सेक्रेशन होता है। हमें इसी हेड पर काम करना है, क्योंकि इस साइड में ही हमारे इंसुलिन का भी सेक्रेशन होता है। पैनक्रियाज के ऊपर ये जो धब्बे दिख रहे हैं ना, ये दरअसल सेल्स हैं। ये हॉर्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। इन सेल्स के नाम हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। हमारे काम का है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ही इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, और जब इसमें प्रॉब्लम आती है तभी डायबिटीज की शुरुआत होती है। जन्म के 8-10 दिन के बाद ही ये बीटा सेल्स बनते हैं। बच्चे का स्तनपान बंद होने से सेल्स का बढ़ना भी बंद हो जाता है। बच्चे जितने ज्यादा समय तक स्तनपान करेंगे, उनमें डायबिटीज होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। हमारा रिसर्च है अल्फा सेल्स को बीटा सेल्स में कन्वर्ट करना, रीप्रोग्रामिंग। ये बेसिक चेंज करना ही पड़ेगा। सो जैसे ही बॉडी में बीटा सेल्स इंक्रीज हो जाए, ज्यादा बीटा सेल्स, ज्यादा इंसुलिन, नो डायबिटीज। दैट्स राइट। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ये चश्मा पहनने की कोशिश कर रहा था। ये लीजिए। गंदा लग रहा है ना? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं? हाँ, और क्या? रंग और चेहरा ही सुंदरता नहीं होती, अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो वही सुंदरता होती है। आप लेजेंड हो सर। लेकर आता हूं, नहीं मिला तो शुगर पेशेंट बनके मैं खुद लेट जाऊंगा, चलेगा ना? ओके। सर, आई शेयर ऑटो में आने वाला दादा अब सब में सीखो जुगाड़ करके उठा के ओनर है। आई अपना शुगर कम कर लूंगा, फिर बैंकॉक जाऊंगा। अब खड़े होने की ताकत है, बैंकॉक जाऊंगा। क्या बोल रही हो भाभी? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूं। अरे ये सब इसके सामने क्यों बोल रही हो? हां हम दोनों जाने वाले हैं। ये हमारे वॉलंटियर हैं। हम बाहर जाएंगे। हेलो, नमस्ते सर, प्लीज आइए। जाओ जाओ, अंदर जाओ, हाथ से करेला जूस मिलेगा। सर्वनंद सर, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। सर, ये तो इनकी नम्रता है। उनके नीचे 10,000 लोग काम करते हैं, 400 ब्रांचेस हैं।
साथ में शुगर भी है। आपने जो हम पर भरोसा किया है और जो इज्जत दी है उसके लिए थैंक्स। ह्यूमन टेस्ट के लिए जो भी लोग आते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने बिना हिचकिचाए पूरे भरोसे के साथ खुद को हमारे हवाले किया। इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इस रिसर्च में आपका योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोज मर मर के ही जीते हैं। आपकी दवाई से ठीक हो जाएंगे तो लाख लाख शुक्रिया। इसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है। फर्स्ट आपको इस वॉलंटियर फॉर्म और नो ऑब्जेक्शन फॉर्म पर साइन करना है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। यस जीजा जी, पहले वकील को दिखाएंगे फिर साइन चेक करेंगे। आदमी की आंखों से उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। मैं तो इन पे भरोसा करके कहीं भी साइन कर सकता हूं। सुपर सर, ये साले को अपने साथ मत रखना, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। थोबड़ा देखा उसका। अब मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। थैंक यू सो मच। हमारी खोज फॉर्मूला जे हम आपको देने वाले हैं। आज से 15 दिनों में आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। बार इंजेक्शन लगा के अब दर्द निकल गया है। पूरी बॉडी पंक्चर हो गई है। वैसे ये इंजेक्शन अच्छे से लगाती हैं। ये पालक की सब्जी खा खा कर मैं भैंस बन जाऊंगा। ये आपके लिए बैलेंस फूड है सर। अनबैलेंस्ड हो जाऊंगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसी ही पॉजिटिव बातें करते रहना वरना मैं बोर हो जाऊंगा। ये लीजिए आपका पराठा ग्रेवी, खा के तुरंत मर जाओ। अरे मैं तो अपने माँ के पेट से ही पराठा ग्रेवी खाना सीख कर निकला था और तब से लेकर आज तक ऐसा ही टेस्टी खाना खा रहा हूँ। इसीलिए तो शक्कर की बीमारी हो गई। खाना ये कितना अच्छा है। प्याज है, टमाटर है और साथ में मसाला भी है। ओहो कितना जायकेदार है। किसने खिलाया इनको? मुझे पता नहीं सर, इसने मंगाया था, मैं लेकर आ गया। यहाँ इतना बड़ा रिसर्च चल रहा है और तुम लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हो। ये लास्ट वार्निंग है। अंग्रेजी में पके जा रहे हो, मारो इसे। हमारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेज वन फेज टू बिल्कुल सक्सेसफुल था। एनिमल टेस्ट में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं था। क्या जानवर की दवाई है क्या? ए चमक चलो, 5,000 करोड़ के मालिक को उल्टा सुलाकर ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है कभी नहीं कहेगी। शांति रखिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ हो रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, मेरा भाई सब ठीक कर देगा। हम पर भरोसा रखिए। काहे का भरोसा? मेरी बहन के मंगलसूत्र का सवाल है। ए, मारो इन्हें। हे, नो 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 नो, अरे मारो मत हमें, हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं। अरे
का चांस ही नहीं है। सारे टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। आपको कोई समझ ही नहीं पाया। गलती उन लोगों की भी नहीं है, उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। अगर उनके मालिक को कुछ हो जाए तो उनका भड़कना तो शायद से। देख कृष्णा, सर ने क्या जोक मारा हुआ कि इतना हंस रही है। घर जा रहा हूँ, मुझे घर छोड़ दो। रावण का महीना खत्म हो गया, तुम लोगों को कंबा पिला दूंगा। उधर मुझे कौन सी जगह पर लाए? इतने लोगों को लेकर आए हो क्या? हमको खाना खिलाने वाले हो? बहुत भूख लगी है। सिर्फ और सिर्फ सांस निकलनी चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं। नहीं निकालेंगे, लेकिन पहले खाना तो खिलाओ। कौन बोला? मुझे भूख नहीं लगी है सर, इसे लगी है सर। मैं कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, इसे मारो। ये मुझे रात भर टॉर्चर कर रहा था। मारो सर। डॉक्टर सरवनन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बायोप्सी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट से बसंत पेरमल के कोमा में जाने की वजह का पता चलेगा। भारतीय साइंटिस्ट पूरी दुनिया में मजाक का विषय बन गए हैं। टीवी, मीडिया, सब लोग मिलकर हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगर हम डॉक्टर सरवनन के रिसर्च को रोकने की घोषणा कर दें तो ये मामला तुरंत शांत हो जाएगा। काउंसिल के इस सजेशन से मैं सहमत नहीं हूँ। पेशेंट की सहमति से, उनकी फैमिली की अनुमति से ही हमने ये ह्यूमन टेस्ट शुरू किया था। शुगर की बीमारी का इलाज करने का लालच देकर आपने धोखा दिया है। नो, ऐसे अपमानजनक बातें मत कीजिए। ये एक मेडिकल काउंसिल है। डॉक्टर सरवनन एक रिनाउंड वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है। ये काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च कर चुके हैं। इनके रिसर्च को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। लीगल प्रोसीजर्स फॉलो कर चुके हैं। ये बैन करके हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। ओके डॉक्टर बेनू, बैन नहीं करेंगे, लेकिन रिसर्च को पूरा करने के लिए किसी ह्यूमन टेस्टर को तो तैयार होना पड़ेगा। अब कौन होगा? हम तैयार हैं साहब, हमारे लिए सब कुछ है, हमारा विश्वास है। हजारों लोग उनके रिसर्च के लिए अपना तन बदन तो क्या, जान भी देने के लिए तैयार हैं। जो शरीर और जान साहब के सम्मान के लिए काम ना आए वो बेकार है। अंकल, मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ अंकल। इन लोगों ने जो मुझ पर भरोसा किया है, यही मेरी ताकत है। ये भरोसा कभी बेकार नहीं जाएगा। इस देश के कानून का मैं सम्मान करता हूँ और उसके दायरे में ही काम करूंगा। इस रिसर्च की सफलता के बाद मेरी ईमानदारी और सच्चाई सारी दुनिया को पता चल जाएगी। ये मेरे लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए है। इसलिए मेडिकल काउंसिल से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे एक और मौका दिया जाए। रिसर्च को अनुमति देने के लिए मैं सिग्नेचर्स करती रहती हूँ, लेकिन आज आपके रिसर्च को अनुमति देने में मुझे गर्व हो रहा है। दिन के लिए दो ही है।
एनिमल का साला थक गया था। जीजू कब मरता, कब मैं राजा बनता, इसलिए उसको खत्म कर दिया। साइंटिस्ट सर्वनंद जाना मन रहा था, उसकी आंखों में धूल रख दिया। छोटा सा काम था लेकिन उसे खुशी बहुत मिली। एंजॉय करो डॉक्टर। फाइव स्टार होटल में डर लगता है, शौचालय में भी डर लगता है। पूरी सेफ्टी है यहाँ। कंपार्टमेंट बुक है, सिक्योरिटी खड़ी है, आप तो चिकन खाओ बस। क्या देख रहे हैं, दिखाना। अब तो मैं ही राजा, मैं ही राजा। कैसी जगह है, अली बाबा की गुफा है क्या? बाहुबली हमें बचा लो। अरे हम लोग खुद बलि का बकरा है, हमें कौन बचाएगा? ए, क्या हो रहा है, चलो चलो। अरे सुई टूट गई क्या? तोड़ दिया। तू आदमी है या पत्थर? ए, चलन। मैडम, हाँ बोलो। सुई क्यों लगाई? जिंदा रहने के लिए। ऐसा क्या? हाँ फिर तो मुझे दो लगा दो। अरे इसको कैसे सेंड करते हैं? उसकी कहानी खत्म। Don't thank me, thank God.
साइंटिस्ट की शानदार खोज, एक ही दवा से शुगर की बीमारी का खात्मा, मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी कामयाबी। सुनो, इमीडिएटली एफडीए में रजिस्टर कर दो, उनका अप्रूवल आते ही पेटेंट कर लेंगे। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर सर्वनन, इस दिन का तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, am I right? Definitely. Thank you. दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट वो नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया, और तुम हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो। Exactly. और आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी एक आइलैंड पे गुजरेगी, जहाँ पे जिंदगी की सारी सहूलियतें होंगी, मतलब किसी राजा की तरह जियोगे तुम। ये काम मैंने अपने नेम, फेम, धन, दौलत या ऐशो आराम के लिए नहीं किया, अपने दिल से, पूरी शिद्दत से ये काम मैंने शुरू किया। भगवान के आशीर्वाद से ये दवा मैं खोज पाया। दवा? पैसा है सर्वनंद, पैसा। छप्पर फाड़ कर नहीं, आसमान फाड़ कर तुम्हारी गोद में गिरने वाला है डॉलर, यूरोस, पाउंड्स, रियाल, दिनार, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इस दुनिया के सभी देशों का पैसा हम दोनों की कदमों में होगा। Am I right? Of course. हमारी कंपनी तो चिरकुट दवाइयों को भी पब्लिक को बेवकूफ बनाकर बेच देती है। अगर ये मिल गई तो सोने के दाम में बेचेंगे। Right है बॉस? बोलो सर्वनंद। Outright भी होगी, partnership भी होगी। इस दवाई को हम पूरी दुनिया में मार्केट करेंगे। हाँ। सर के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो विजय? He is born with a golden spoon. पैसों के लिए, आपके ऑफर के लिए वो नहीं झुकेंगे। सॉरी मिस्टर विजय, आपकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। यहाँ पर लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरी दवाई जिंदगी के साथ लड़ने वाले उन गरीबों के काम आनी चाहिए। आफ्टर ऑल उन लोगों का जीवन भी तो स्वस्थ होना चाहिए। उच्च विचार, बड़ा दिल, तेज दिमाग, सर्वनंद यू आर रियली ग्रेट, लेकिन इस देश में तुम जैसे लोगों की कोई कदर नहीं। जिधर भी देखो गंदगी, ट्रैफिक, क्राउड, शोर, और इन सब के बीच में लाखों में एक, करोड़ों में एक, कीड़े की तरह जियोगे। सर्वनंद, इस देश में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, और ये सब के सब मेरा परिवार है। उन्हीं के साथ जीने में मुझे खुशी मिलती है। वक्त के साथ साथ यहाँ पर भी सब अच्छा ही होगा। हम दोनों की सोच बहुत अलग है। एक बात पर राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, पूछ रहे हो ना मिस्टर विजय? आपकी सोच रॉन्ग, आपकी प्लानिंग रॉन्ग, आपकी इच्छा, लालच रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। सर्वनंद, मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, तुम्हारे दिल में है क्या ये बता दो। आज से नहीं, मेरी सोच हमेशा से यही थी। अपनी खोज को मैं देश के नाम करने वाला हूँ, गरीब लोगों को मैं ये मुफ्त में देने वाला हूँ। That's my boy. ये है मेरा सर्वनंद। मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। सर्वनंद बेशकीमती है, उसको खरीदने की कोशिश की तुमने विजय? You are a fool. प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते, ये सब उसकी दुनिया है। सब कुछ हमारे पैरों के नीचे है। सर्वनंद, I have grown old.
एक छोटे से गांव से आया है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह कर रही है, लेकिन मुझे तो जीते जी मार डाला। मुझे देखकर तुम्हें दया नहीं आती सरवणन? मैंने तुम्हें बेटे की तरह गाइड किया है, बदले में मुझे क्या चाहिए? तुम्हारी खोज को मेरे नाम कर दो और फॉर्मूला मुझे दे दो। पूरी दुनिया को यह बात गर्व से बताऊंगा कि इसकी खोज मैंने की है। इतनी सी बात है सरवणन, मुझे डॉक्टर, गाइड, रिसर्चर जैसे बेकार टाइटल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फेम, लॉट्स ऑफ फेम, द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द मैनकाइंड फ्रॉम द ग्रेट साइंटिस्ट देसीकांत। दैट्स ऑल सरवणन, व्हाट एल्स आई वांट? सर देखिए ना सर, अभी भी आपके लिए मेरी जबान से इज्जत ही निकल रही है। अगर आपने मुझसे पहले ही मांगा होता तो मैं खुशी खुशी आपको दे देता, लेकिन आज मुझे आपकी असलियत का पता चल गया। आपके दिल, दिमाग, रग रग में, पूरे बदन में जहर फैल चुका है। मैंने आपको अपने परिवार का हिस्सा माना, मेरे पिताजी से भी बढ़कर आपको गुरु का स्थान दिया, अपने दिल में रखा, लेकिन आपने मुझसे गद्दारी करके मेरी पीठ पे खंजर मारा। अगर मैं आपको माफ भी कर दूं तो उस अपराध के लिए कल ये दुनिया मुझे ही सजा देगी। आपके जैसे, आप नहीं तेरे जैसे गद्दार की छाया भी मुझ पर पड़े ये तेरी औकात नहीं। जब तक मुझ में जान है तो जैसे जानवर को मैं देखना भी नहीं चाहता। यू आर माई फुट। सर्वनंद सर, आप अंदर कैसे? आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? ये मत पूछिए सर, घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी तो वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। क्या कह रहे हो? सर इतना ही नहीं, जो लिफ्ट मांगा, जो नहीं मांगा, जो दिया, जो नहीं दिया, सब लोग इधर ही हैं सर। आइए 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 सर। यहाँ करते क्या है? इलीगल ड्रग टेस्टिंग होती है सर। आइए सर आइए, ब्रेकफास्ट टाइम पर अभी कोई नहीं होगा। आइए सर। इसको नींद में चलने की बीमारी। आइए आइए। सीसीटीवी कैमरा है लेकिन कोई नहीं देखता, सब बैठ के मोबाइल पे रील देखते रहते हैं सर। आइए आइए आइए। हमारा बच्चा,
हमारा बच्चा वेला यही है, हमारा छोटू साइंटिस्ट। वेला? 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 बच्चे को देखा क्या? वेला? वेला? ए, जाकर ढूंढो ना उसे। सर्वानंद, ये तुम्हारी लैब नहीं है जो बीवी को देखते ही हाथ पकड़कर घर ले जाओगे। ये हमारी लैब है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पर आता हूं। तुमने डायबिटीज की जो दवाई खोजी है, बस वो हमें चाहिए। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो लोगों को मिलेगी, लेकिन उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारी ये जो दवाई है ना, डायबिटीज का कंप्लीट इलाज कर देती है। आज जो भी मार्केट में डायबिटीज की दवाई बेचते हैं ना, हमारे मार्केट में आने से वो सब कंगाल होकर भाग जाएंगे। दे दीजिए सर, नहीं तो अपनी ओजो कंपनी पहले कंगाल हो जाएगी। ये जे फॉर्मूला का पूरा प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही करेंगे। तैयार की हुई दवाइयाँ हम थोड़ी लेने वाले। अरे सर्वनन के हिसाब से हम लोगों को ही तो देंगे। सिर्फ 50 रुपए में दवाई बनाकर 5,000, 50,000, उतना ही क्यों, 5,00,000 में भी बेच देंगे हम, और एक ही दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मैंने इस दवाई को बेचने के लिए नहीं बनाया। डायबिटीज से जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें ये दवाई मुफ्त में मिलनी चाहिए। क्या भाषण दे रहा है, क्या कहानी सुना रहा है ये आदमी। इसमें मैं किसी भी दलाल को पैसे कमाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी इस खोज को मैं अपने देश के लोगों के लिए समर्पित करूंगा। तुम किस सिचुएशन में हो ये जानते हो ना सर्वनन? डरपोक, तुम लोग मेरा क्या करोगे? अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अपनी कमाई दौलत खोने का दर्द आप जैसे अमीर साइंटिस्ट को नहीं पता है सर्वनंद सर। मधु, मधु, ये साइंटिस्ट देश देश बोलकर बिल्कुल देसी डॉक्टर की तरह बातें कर रहा है। मधु, तुम कहो तो इसका अगला ट्रीटमेंट शुरू कर दे। मैडम, बस ऑर्डर दो, कान के नीचे बजाकर इससे फॉर्मूला निकलवा लूंगा। सर्वनंद सर, अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरे डैड की मौत का कारण आप हैं। आज जिस सिचुएशन में मैं हूँ, उसका कारण आप हैं। मेरे डैड जो एशिया के नंबर वन फार्मास्यूटिकल किंग थे, उनके एम्पायर की बर्बादी का कारण आप हैं। और मैं ये सब चुपचाप देखती रहूं, उनकी मौत का बदला ना लूं? हाँ, इसका मतलब तुम भी इनके साथ हो मधु। तुम भी नहीं, मैं ही, मैं ही मैं। आपने जिस दिन एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की खोज की, उस दिन हमारी कंपनी कंगाल हो गई सर्वनन। उसी दिन भैया ने सिखाया था कि बरगद का पेड़ भले ही कट जाए पर जटाएं रह जाती हैं। मैं हूं ना तेरा चाचा। जब मुझे पता चला कि आप डायबिटीज के इलाज की खोज कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन ओजो लेबोरेटरीज के वारिस होने के नाते बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आपकी इस खोज को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप बार बार करते ही चले गए, और तब हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया। अगर आप लोग पैनिक करने लगेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। फिलहाल इंसुलिन बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दो। सर्वनन को डायबिटीज की दवा बनाने दो।
उसे ओजो लैबोरेटरीज ही बेचे तो? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो तो मार खा के भी वापस आ जाता है। प्लान चेंज होने वाला है। गेम के अंदर मैं आ रही हूँ। बचाना मत, निकालो मुझे। आज ओजो लेबोरेटरीज जिस मकाम पर है उसकी वजह है अंकल वीजे और देसी कन अंकल, मेरे डैडी के खास दोस्त। आपके इंटेलिजेंस और टैलेंट से कई बार इम्प्रेस हो चुकी हूँ। इन फैक्ट आई ऑलमोस्ट फेल इन लव विथ यू। नॉनसेंस, तुम्हारी कंपनी जो भी कर रही है वो इलीगल है। जान बचाने वाली दवाई को, इस पवित्र इंडस्ट्री को तुम लोगों ने जान लेने वाली इंडस्ट्री बना दिया। एक इंसान की बीमारी को सबसे पहले तो तुम लोग बढ़ाते हो और फिर उस पर हार्मफुल दवाइयों का ट्रायल करते हो, और उन्हीं को महंगी दवाइयां बेचना तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारा मकसद है? थू! आज हर गली में डायग्नोस्टिक सेंटर, हर नुक्कड़ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चार दुकानों में से एक दवाई की दुकान। आखिर यह इंसानों की धरती है या रोगियों की धरती? इन सब का कारण है तुम जैसे मेडिकल माफिया। तुम लोग अपनी खुशियों के लिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। छोटा साइंटिस्ट सुंदर लग रहा है। फॉर्मूला हमें दे दो। छोटू साइंटिस्ट को जिंदा रहना है, बड़ा होना है, दूसरी बीमारी के लिए इलाज भी ढूंढना है। विला, विला, विला मेरा वारिस है, शेर का बच्चा है। अब मैं साइंटिस्ट नहीं, एक बाप हूं।
लोगों को कभी मारता नहीं हूं, उन्हें बचाता हूं। जा, तुझे छोड़ दिया। तुम लोगों को कितना टॉर्चर किया है और कितने लोगों को मार डाला है, आओ आके बदला लो। मेरा प्यारा बेटा।